खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां संजय गांधी अस्पताल में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब नव विवाहिता की मौत के बाद उसके शव लेने के लिए मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। दरअसल मामला सतना जिले के सभापुर थाना क्षेत्र का है, जहां की रहने वाली नव विवाहिता को जलने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी मौत हो गई। नव विवाहिता की मौत के बाद दहेज प्रताड़ना के आरोप में पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसके परिजन शव का अंतिम संस्कार करना चाह रहे थे। वहीं मृतका के मायके के लोग पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार करने पर अड़ गए। उनका कहना था कि शव का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया जाए, जबकि ससुराल वाले अंतिम संस्कार अपने गृह ग्राम में करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं दोनों का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। सर बुला लगे कि हमारा अर्चना साकेत नाम है, हमारे नाथ को बुला लगे 17 तारीख को 18 तारीख को सुबह 6 बजे आग लगा के बार दिया मट्टी की तेल ना की। हम लोगन का फोन लगाई जले में नहीं कि हम आइए भैया हमको ले चलिए, हमको बार दिए हैं। हम लोग पहुँचे उन ससुराल वाले कोई नहीं थे, हम बचे मैहर में लाए, फिर मैहर से सतना ले आए, सतना से फिर रीवा ले आए। क्या नाम है वो लड़की का? अर्चना साकेत। यहाँ महासाव के रहने वाली? हाँ जी सर। कहाँ पर शादी हुई थी? यही पिपरा प्रबंड में। थाना वहाँ कौन सा लगता है? बदेरा। आपको कब जानकारी हुई कि ऐसी घटना हुई? सुबह 6 बजे 18 तारीख को। क्या कुछ मांग थी? क्या हाँ दहेज मांग रहे थे सर। दहेज मांगने के हाँ किनके द्वारा मांग रहे थे? किनके द्वारा मांगी गई थी दहेज? कौन मांग? श्री मांझी और सम्मेलन से शादी हुई थी पुलिस लाइन में, बहन की शादी हुई थी पुलिस लाइन में सम्मेलन में। उन लोगों के वजह क्या थी कि उनका भाई मझला वाला, उसका नाम है बल्लू साकेत, भाई का नाम है लल्लू साकेत, लल्लू लाल साकेत, और पिता का क्या नाम है सुखई साकेत और महतारी, इन 4 जन मिल के कष्ट दे रही बहनी के मरे के तोर सम्मेलन में बाप पैसे 1.5 लाख रुपया वह हमका नहीं दिन से तो बेर के बेर जाते लेकिन नहीं होते आए हैं। तो यह मैं कहनी केस उनका खूब चलत रहा। घटना कैसे हुई? ये घटना आग लगा दिए उसी दिन 17 तारीख मेरे घर से ले के गए हैं बुला के, और नाइट में भी मारे जब ले के गए हैं। इसके बाद सुबह जब मेरी बहन फोन लगाई भैया मेरे को बार दिए हैं आग लगा दिए हैं मिट्टी तेल डाल के, तो हमने तुरंत गुड़ थाना जा रहे थे। मेरी बहन बोली भैया तुम उधर ना जाओ हमारे पास आओ जितना जल्दी हो सके, तो हमने वहाँ गया मैहर, तो मैहर में उसके होश नहीं थी बहन की, बात दूसरे मोबाइल से मेरी बहन लगवाई थी। इसके बाद जब मैहर पहुंचा तो वहाँ तहसीलदार आए बयान लिए बहन के मेरी, जब से बयान हुआ तो उस पक्ष के लोग जितने थे सब भाग गए घर में। बोला कि दवाई कौन करेंगे, मैहर से सतना रिफ़र करें, तो बोल रहे हैं वो पक्ष वाले कि तुम लोग जबरदस्ती रिफ़र करवाए हो, तो सतना जब लाएँ उसको रेफर करके तो उन लोग पूछन है कि दवाई तू बन से करवाओ कि हम लोग करवाई, तो वो कहें कि हम लोग करवाऊ। आज जितने कहीं था तो वो नहीं आया, जितने बोली तो उठे उस पक्ष से कोई आया है नहीं। उस पक्ष से वो आए हैं जब उठे नहीं बोली था कि हम दवाई करवाऊ, वो व्यक्ति आए जब बोले रहे व्यक्ति कि हम दवाई करवाऊ वो एक थे नहीं आया। अभी क्या मारपीट भी झगड़ा भी हुआ है कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ सर। क्या नाम है आपका? राम जी साके। कहाँ के रहने वाले? मासा। क्या घटना हुई? ये घटना ये ऐसी हुई जैसे बोल रहे हैं ये लड़की हैं आप जी, तो कब खत्म हुई, कब मृत्यु हुई? आज आज। तो प्रॉब्लम बॉडी को लेकर बात चल रहा है क्या? बॉडी के बाद ये चल रही सर जी कि हमारा कहना ये है कि आप ना वहाँ ले जाइए ना हम ले जाएंगे, आप सीधे चलिए मेरे साथ इलाहाबाद बर्बाद दीजिए बस हो गया। लड़का बुलवा ले, लड़का आगे दे दे हैं आग दे दे, जैसे जिंदम जलाई से उसे मरे में जला दे। बोल रहे हैं कि पुलिस वाले वहाँ बैठाए हुए हैं हैं, इसलिए ये झगड़ा चल रहा है। पैसा दे आधा आधा मैं भी लगा रहा हूँ, हमारी लड़की मेरी लड़की है।
तो कल नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम घर ले जाएंगे, तो हम कल नहीं ले जा देंगे। उसको लेकर विवाद चल रहा जी, इसी में जुड़े हैं उन लोग।